हेलो सो नमस्कार, एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सबके अपने YouTube चैनल पर। सो गाइस, आज का जो वीडियो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप लोग स्टडी वीडियो बना सकते हैं, जैसा कि मैं बनाता हूं अपने चैनल पर डियर गुरुजी यूट्यूब चैनल। आप सबने देखा होगा वहां पर जैसे मैं वीडियो बनाता हूँ, तो कैसे आप बना सकते हैं, उसके लिए क्या क्या चीज चाहिए, कौन कौन से हार्डवेयर आपको चाहिए और कौन कौन से सॉफ्टवेयर आपको चाहिए, तो क्या आप मोबाइल से बना सकते हैं, क्या आपको लैपटॉप की जरूरत पड़ेगी, सब कुछ आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता जाऊंगा कि जो YouTube पर मैं वीडियोस बनाता हूं या कोई भी स्टडी वाला वीडियो बनाता है, तो वो दो तरीके से बनाते हैं। एक ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ मोबाइल का यूज करते हैं, और सेकंड ऐसे लोग होते हैं जो लैपटॉप के यूज से बनाते हैं। और जो बड़े बड़े YouTube चैनल है, जैसे कि वाईफाई स्टडी हो गया, एग्जामपुर हो गए, ये लोग क्या करते हैं, व्हाइट बोर्ड, डिजिटल बोर्ड आ गया है उसका यूज करते हैं। तो तीन तरह के आप मान सकते हो कि तीन तरीके से आप YouTube वीडियो बना सकते हो। लेकिन मुझे पता है कि अभी आप लोग एक स्टूडेंट हो या आप लोग अभी बिल्कुल स्टार्ट करना चाहते हो YouTube चैनल, तो आपके लिए बेस्ट क्या रहेगा, मोबाइल, क्योंकि आप लोग पैसा आपके पास क्यों खर्चा करोगे एक्स्ट्रा। तो मैं आपको सबसे पहले ये बताऊंगा कि YouTube पर अगर आपको स्टडी वीडियो बनाना है, तो आप सिर्फ और सिर्फ मोबाइल की मदद से कैसे वीडियोस बना सकते हैं। मैं आपको अपने बारे में बताना चाहूंगा कि मेरे जब तक 135,000 जब तक मेरे सब्सक्राइबर्स हुए थे, तब तक मैंने सिर्फ और सिर्फ मोबाइल का यूज किया था। एंड अभी मैं लेटेस्ट कुछ दिनों की बात करूं, तो अभी मैं कुछ दिनों से यूज कर रहा हूं लैपटॉप का वीडियो बनाने में, नहीं तो इसके पहले मैं मोबाइल से ही सारे के सारे वीडियोस बनाता था, अपलोड करता था। सब कुछ मैंने जो किया था मोबाइल से ही किया था। तो सबसे पहले आज के इस वीडियो में यह बताने वाला हूं कि अगर आपको मोबाइल से स्टडी वीडियोस बनाना है, तो किस किस चीज की आपको जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगी भाई एक मोबाइल की, जो कि सबके पास होता है, एंड्रॉइड डिवाइस तो सबके पास होगा, तो एक आपको मोबाइल की जरूरत पड़ेगी। अभी हार्डवेयर बता दे रहा हूं कि आपको एक मोबाइल और साथ ही साथ एक माइक। अभी आपको कोई माइक लेना नहीं है। अभी देखो मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्टार्टिंग के 7-8 महीने 9 महीने जब तक मेरे 1-1.5 लाख सब्सक्राइबर्स थे, मैंने इस माइक का यूज किया है। मैं सही बता रहा हूं, मैंने इस माइक का यूज किया है। एंड ये माइक मैं अभी भी कभी कभी यूज करता हूं। और ये जो माइक है सैमसंग का, आपने देखा होगा जो माइक आता है, मैंने ऊपर का कट कर दिया था और उसके बाद मैं इसी को यूज करता था, और ये मेरा अच्छा खासा चलता था। बट अभी मैंने एक माइक, ये है जिसको लेवल माइक या इसको नेक माइक बोलते हैं, जिसको यहाँ पर लगा करके बोलते हैं। और ये माइक मैंने बोया का लिया था, ये लगभग मुझे पड़ा था 800 रुपए का पड़ा था। तो ये माइक भी अच्छा है, बट अभी आप 800 रुपए क्यों खर्चा करोगे। इसी जैसा एक माइक 100-150 में भी आता है, जिसकी लंबाई थोड़ी कम होती है बट उसकी क्वालिटी अच्छी होती है। तो अगर आप के पास मतलब ऐसा कोई कमरा है जहां पर ज्यादा शोर शराबा नहीं होता है, तो आप जो माइक मैंने पहले दिखाया उस माइक से, या इसी जैसे एक माइक 100-150 रुपए का आता है, लेवलियर माइक करके आपको अमेजन मिल जाएगा, लिंक हो सके तो मैं आपको दे दूंगा, वहां से आप बाय कर सकते हैं, 100-150 रुपए का आता है, उस माइक को यूज कर सकते हैं। तो आपको क्या क्या चाहिए, एक मोबाइल चाहिए और एक चाहिए ये माइक। इसके अलावा मैं आपको 2 से 3 ऐप बता रहा हूं क्या क्या आपको रखना है मोबाइल में। एक तो आप कैम स्कैनर रख सकते हो। कैम स्कैनर किस लिए, मैं आपको ये भी बताऊंगा। इसके अलावा सेकंड ऐप आपको एक कोई स्क्रीन रिकॉर्डर रखना है। अब स्क्रीन रिकॉर्डर में DU ऐप रिकॉर्डर है, जो कि आपको प्ले स्टोर पे पहले ही मिलता था, अब नहीं मिल पाता है। तो DU ऐप रिकॉर्डर कैसे डाउनलोड करना है, उसका मैं लिंक दे दूंगा, आप वहां से सीधे डाउनलोड कर लेंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में DU ऐप रिकॉर्डर। उसके साथ ही साथ आपको कैम स्कैनर का भी मैं आपको लिंक दे दूंगा, या आपको सीधे मिल जाएगा आपके प्ले स्टोर पर, तो प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उन दोनों ऐप को डाउनलोड करने के बाद अब मैं आपको दोनों ऐप का यूज बताता हूँ। एक आपका DU रिकॉर्डर ऐप है और एक आपका कैम स्कैनर ऐप है। तो दोनों ऐप का यूज मैं आपको कैसे बताऊंगा, आपको सीधे ले चलता हूँ मोबाइल की स्क्रीन पर, और वहीं पर आपको सीधे बताता हूँ, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन की तरफ। सो अब हम आ चुके हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा सब कुछ मोबाइल में, मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। जिससे आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ऐप ये है आपका DU रिकॉर्डर, आपको यहाँ पर दिख रहा है। ये DU रिकॉर्डर ऐप को आपको ये ऐप जो है डाउनलोड करना है। उसके साथ ही साथ एक ऐप मैं आपको बताना चाहूंगा, ये ऐप है आपका कैम स्कैनर। देखिए आपका ये कैम स्कैनर है, तो ये ऐप है, कोई भी एक डाउनलोड कर सकते हैं। और ये आपको कहाँ से मिलेगा, ये आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा कैम स्कैनर को डाउनलोड करने का, और आपका DU रिकॉर्डर ऐप डाउनलोड करने का। तो ये दोनों ऐप आपको डाउनलोड करना है। अब DU रिकॉर्डर काम क्या है उसको बाद में देखेंगे, अब बात करते हैं कैम स्कैनर काम क्या है। अब जैसे कैम स्कैनर काम ये है कि जैसे मैंने कैम स्कैनर ओपन किया, अब आपके पास कोई नोट्स है, आपने खुद से लिखा है, या आप कहीं बुक से कहीं से कुछ भी उठाना चाहते हैं, आपको कोई क्वेश्चन नोट करना है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने सारे के सारे जो नोट्स हैं वो बना रखे हैं, कोई क्वेश्चन है मैंने बना रखे हैं। अब आपको ये कैसे करना है, मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बता देता हूँ आपको ये चीज करना कैसे है। तो ये आप कैसे बनाएंगे, मैं एक बुक देख लेता हूँ यहाँ पर मेरे आसपास अगर कोई होगी तो। चलिए, तो एक मेरे पास बुक है, ओके, तो इस बुक में मैं आपको दिखा देता हूँ।
ये आपको स्क्रीन तो दिख ही रही होगी। यहाँ पर करना क्या है, जैसे आप यहाँ पर जाएंगे आपको ये कैमरे का एक आइकन दिख रहा है नीचे, इस कैमरे के आइकन पे आपको क्लिक करना है। और जिसे आपको किस बुक से कोई क्वेश्चन नोट करना, मान लीजिए आपको ये 53 नंबर वाला क्वेश्चन जो है डाउनलोड करना है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। अब ये हो गया आपका ये 53 नंबर क्वेश्चन। अब क्या करना है आपको, अब आपको इस पर क्लिक करना है, देख सकते हैं यहाँ क्रॉप का ऑप्शन आ रहा है। अब आप इस क्वेश्चन को जितना क्रॉप करना चाहते हैं क्रॉप कर लीजिए। अब इसको क्रॉप करने के बाद दोस्तों आप जब इसको ओके करेंगे, अब देख सकते हैं ओके करने के बाद क्या होगा आपका, ये देख सकते हैं अब ये आपका एक क्वेश्चन जो है बढ़िया अच्छे से क्रॉप हो गया है। और यहाँ पर आप पीडीएफ पे क्लिक करेंगे तो आपका ये ऐसे एज अ पीडीएफ में आ जाएगा। अब आप इसकी मोबाइल की स्क्रीन को देख सकते हैं, ये आपके सामने आ गया है। अब आपको अपनी स्क्रीन को रिकॉर्ड करना है, तो ड्यू रिकॉर्डर ऐप जो आप ओपन करेंगे, देखे जैसे आपका ये ड्यू रिकॉर्डर ऐप है, तो आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर देखिए एक स्क्रीन ये रिकॉर्डर बन करके आ गया है। तो यहाँ पर जैसे आप वो क्लिक करेंगे, रिकॉर्डिंग अभी हो रही है, मोबाइल की स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रही है। तो अभी जब स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रही है, तो आप जैसे कि कैम स्कैनर में जाएंगे, वहां पर आप जो भी करेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर आपको जो भी करना है आप इसका ब्रश यूज करिए, इसके क्वेश्चन को लगाइए, कुछ लिखना है तो लिखिए, और आपका स्क्रीन ऑलरेडी रिकॉर्ड हो रहा है। तो ये आपका पूरा प्रोसेस होता है वीडियो को रिकॉर्ड करने का। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा पॉज करने का। पॉज जैसे ही करेंगे आपका मोबाइल का जो वीडियो भी आपने बनाया है या आपने जो भी बोला है वो सब कुछ रिकॉर्ड हो जाएगा। और इसके बाद अगर आपको डिटेल में जैसे ड्यू रिकॉर्डर में क्या टिप्स है क्या ट्रिक्स है देखना है, तो यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा एक बार कि हाउ टू यूज ड्यू रिकॉर्डर परफेक्टली, हाउ टू यूज कैम स्कैनर, तो उसके बारे में आपको पता चल जाएगा। मैं आपको थोड़ा बहुत जो बता सकता था यहाँ पर बताया हूँ। तो ये बस इतनी दो तीन चीजें आपको चाहिए और ज्यादा कुछ चाहिए नहीं, तो इससे आप लोग अपने वीडियो का प्रोडक्शन जो है कर सकते हैं। तो ये तो रही भाई आपके एप्लीकेशन और आपका जो मोबाइल में क्या क्या सॉफ्टवेयर होना चाहिए था, क्या एप्लीकेशन होना चाहिए था, जो चीजें होनी चाहिए थी मैंने आपको बता दी है, और बाइक के बारे में बता दिया और सॉफ्टवेयर के बारे में बता दिया है, हार्डवेयर आपको पता चल गया है। तो आपको क्या क्या चाहिए, आपको ये सब चीजें क्लियर हो गई हैं। तो अब आपको करना क्या है, अगर आपको वीडियो बनाना है तो आप कोशिश कीजिए। मुझे पता है कि एक बार में अच्छा नहीं बनेगा, दो बार में अच्छा नहीं बनेगा, बट अगर आप कोशिश करोगे, देखो मुझे बताने वाला कोई नहीं था, मैंने सब कुछ यूट्यूब से सीखा है, तो मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो यूट्यूब एक बहुत ही बढ़िया जरिया है। आप कुछ भी जो भी नहीं समझ में आ रहा, ड्यू रिकॉर्डर आप चला रहे हैं नहीं समझ में आ रहा, सर्च कीजिए ड्यू रिकॉर्डर के बारे में, अनेकों वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगे। आपको कैम स्कैनर बारे नहीं बताया, आपको ढेर सारे वीडियो कैम स्कैनर के बारे में देखने को मिल जाएंगे। तो आपको जो भी समझ में आए आप उसे देखते रहिए। मैंने आपको एक जरिया बता दिया आपको चाहिए क्या क्या, इसके बाद मैंने आपको ये भी बता रखा है यूट्यूब चैनल कैसे बनाते हैं, यूट्यूब चैनल पर वीडियो कैसे अपलोड करते हैं, एडसेंस से कैसे लिंक करते हैं, सब आपको बता रखा हूँ। तो ये सब चीजें आपको तो ऑलरेडी पता ही पता है। तो अभी क्या करना है आपको जाकर के, अगर आपको वीडियो बनाना है, आप इंटरेस्टेड हैं, तो आपको ये सब चीजें कर लेनी है। और इसके बाद जो लोग वीडियो बनाते हैं, जो कोई छोटा मोटा वीडियो बनाते हैं, तो एक बार हमको मेरे ईमेल आईडी पर लिंक शेयर करें। अगर मुझे उनका वीडियो पसंद आता है तो मैं अपने कम्युनिटी गाइडलाइंस पर अपने डियर गुरुजी वाले यूट्यूब चैनल से उसको जरूर शेयर करूंगा। जी हाँ, अगर मुझे आपका स्टडी वीडियो अच्छा लगता है तो मैं उसको जरूर शेयर करूंगा, तो आप बना करके भेज सकते हैं। तो बस यार आप आज के इस वीडियो में इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं सबसे नेक्स्ट वीडियो में।